गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी आर स्टार्टिंग अवर न्यू यूनिट यूनिट नंबर थ्री इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स आवर फर्स्ट सेशन इज बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस आई सी टी स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आई सी टी से क्या क्या होता है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हमारी जो इंफॉर्मेशन है एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं एंड कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से आईसी टी रेफर्स टू ऑल द मैथड्स टूल्स कंसेप्ट रिलेटेड टू स्टोरिंग रिकॉर्डिंग एंड सेंडिंग डिजिटल इन्फॉर्मेशन जिसके थ्रू हम हमारा डाटा शेयर कर सकते हैं हमारा रिकॉर्ड रख सकते हैं इंफॉर्मेशन कैन भी रिकॉर्डेड और स्टोर इन मैनी वेज हैंड रिटन ऑन पेपर रिटर्न यूजिंग अ टाइप राइटर एंड सोन बहुत से तरीके हैं जिसके थ्रू हम हमारा जो डाटा है रिकॉर्ड रख सकते हैं हमारा स्टोर कर सकते हैं हम हमारे डाटा को हैंड रिटन ऑन पेपर से हमारा जो हाथ हैंड रिटन पेपर है उसके थ्रू भी रख सकते हैं मैंने मोर वी कैन सेव अवर डाटा आई सी टी स्किल्स टू कम्युनिकेट रन अवर बिजनेस एंड स्टे कनेक्टेड विद अवर फैमिली क्या करती है जो हमसे कनेक्टेड फ्रेंड्स और फैमिली के साथ कनेक्ट रहने के लिए जो हेल्प करती है ये एंड टू सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सबसे पहले तो हमें पता आना चाहिए कि सॉफ्टवेयर क्या होता है और हार्डवेयर क्या होता है सॉफ्टवेयर वो होता है जिसके जिसको हम टच नहीं कर सकते हार्डवेयर हार्डवेयर uh, जो है जिसको हम क्या कर सकते हैं टच कर सकते हैं फॉर एग्जांपल मॉनिटर ठीक है मोबाइल सच सचे स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स आर ऑल्सो कंप्यूटर सिस्टम विद हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मोबाइल से मोबाइल डिवाइस भी एक वो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कंप्यूटर सिस्टम है द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर इन एनी कंप्यूटर इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दिस इज सॉफ्टवेयर दैट स्टार्ट वर्किंग एज सुन एज स्विच ऑन अ कंप्यूटर जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं स्विच ऑन कर सकते हैं कंप्यूटर का इट डिसप्लेज द डेस्क टॉप ऑन द मोनिटर ठीक है स्टार्टिंग अ कंप्यूटर हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं वॉट इज द फर्स्ट थिंग यू डू आफ्टर यू वेक अप इन इन द मॉर्निंग वॉट इफ योर फादर टेल्स यू टू डू योर होम वर्क इमिडिएटली कैन यू डू इट नॉर्मली यू वुड डू सम डेली एक्टिविटीज एंड गेट रेडी बिफोर यू स्टार्ट वर्किंग सिमिलरली वेन अ कंप्यूटर इज़ वेस्ड ऑन इट परफॉर्म्स सम बेसिक प्रोसेस फंक्शंस बिफोर इट इज रेडी टू टेक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर जब तक हमें इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तब तक ये क्या कर सकता है कंप्यूटर जो है काम नहीं करेगा ठीक है टू स्टार्ट अंप्यूटर पावर बटन ऑन दीपी देश द फिगर ये जो पावर बटन साइड में देख, देख रहे हो आप ये ऑन करना है जिसके थ्रू हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर सिस्टम है क्या होगा स्टार्ट होगा बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड व्हेन अ कंप्यूटर स्टार्ट बेसिक फंक्शन क्या होते हैं जिससे हम जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं पायस जो है एक सेल्फ टेस्ट है सेल्फ टेस्ट लेता है जब हम हमारा कंप्यूटर जो है ऑन करते हैं जस्ट एज वी गो अबाउट अवर मॉर्निंग रूटीन विदाउट एनी टेलिंग अस व्हाट टू डू कंप्यूटर ऑटोमेटिकली रन अ बेसिक प्रोग्राम कॉल्ड बायस बेसिक बायस मीन्स बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जिससे क्या कि कंप्यूटर ऑटोमेटिकली ही रन हो जाता है किसके किस मेथड किसके हेल्प से बायस के हेल्प से जब हम इनपुट देंगे सिस्टम में देन क्या होता है ऑटोमेटिकली वो स्टार्ट हो जाता है प्रोग्रामिंग करने स्टार्ट कर देता है बायस जो फर्स्ट सेल्फ टेस्ट सबसे पहले क्या करता है सेल्फ टेस्ट लेता है सिस्टम इज़ फाइन द बायस व लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है वो बायस जो है वो लोड करता है देन इट इज़ रेडी टू यूज यूजर इनपुट पुट लॉग इन एंड लॉग आउट वेन यू लॉग इन टू द कंप्यूटर विद योर लॉग इन आई डी एंड पासवर्ड द कंप्यूटर नोज दैट यू आर एन ऑथोराइज पर्सन एंड अलाउज यू टू वर्क ऑन द एप्लीकेशन इन द कंप्यूटर कंप्यूटर चेक करता है कि आप वही पर्सन हो या कोई और पर्सन है जो आप लोग लॉग आउट कर रहे हो देर आर टू पिक्चर्स आर गिवन फर्स्ट इज़ लॉग इन स्क्रीन एंड सेकेंड इज़ लॉग आउट स्क्रीन जब हम लॉग इन करते हैं किसी भी चीज़ को तो हम क्या करते हैं ऐसे ही करते हैं ना शटिंग डाउन योर कंप्यूटर यू कैन शट डाउन द कंप्यूटर इन नो बन तो बाई क्लिकिंग सिस्टम बटन एट दॉप राइट को एंड देन क्लिक शट डाउन आप जिस शट डाउन कर सकते हो यूजिंग द कीबोर्ड कीबोर्ड की हेल्प से भी आप आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है को कमांड्स दे सकते हो फंक्शंस की फंक्शंस की क्या होती है फंक्शंस की कीबोर्ड्स में दे रखी होती है एफ वन से जो है एफ ट्वेल्व तक जो है वो क्या होती है फंक्शंस की होती है यू यूज़ देम टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस देयर फंक्शंस डिफर फ्रॉम प्रोग्राम टू प्रोग्राम फंक्शन ऑफ एफ वन की इन मोस्ट फर्स्ट इज कंट्रोल की सेकेंड इज एंटर की थर्ड पंचुएशन की पंचुएशन की क्या होती है पंचुएशन की पंचुएशन मार्क होते हैं जिसके थ्रू हम हमारे जो मार्क्स हैं कोलन सेमी कॉलम क्वेश्चन मार्क सिंगल कोटेशन मार्क मैनी मोर पंचुएशन की गिवन है नेविगेशन की नेविगेशन से क्या कर सकते हैं हम होम एंड पेज अप एंड पेज डाउन दीज आर द नेविगेशन की जिससे हम क्या कर सकते हैं पेज को डाउन कर सकते हैं अप कर सकते हैं होम जा सकते हैं नेक्स्ट इज कमांड की की सच एज इंसर्ट डिलीट एंड बैक स्पेस आर द कमांड की जिसके थ्रू डायरेक्ट जो है कमांड दी जाती है जैसे कोई डिलीट करना हो हमें वो क्या कर सकते हैं और डायरेक्टली डिलीट होगा विंडोज़ की प्रेसिंग द की ओपन द स्टार्ट मेन्यू जो स्टार्ट मेन्यू जो होता है उसको क्या बोलते हैं विंडो की यूजिंग अ माउस माउस का यूज़ कैसे किया जाता है आप ये जो देख रहे हैं ना साइड में माउस की पिक्चर दी गई है लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक स्क्रॉल जिसके थ्रू हम स्क्रॉल करते हैं अप एंड डाउन रोल ओवर और होवर एंड पॉइंट एंड क्लिंग रोलिंग क्या क्या होता है सम एक्शंस कैन बी डन बाय सिंपली रोलिंग ओवर होवरिंग और एन आइटम ठीक है पॉइंट क्लिक से भी कर सकते हैं हम एंड ड्रैग ड्रॉप के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं हमारा जो माउस से ही ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं हमारे जो पिक्चर है या फिर पोजीशन चेंज कर सकते हैं डबल क्लिक्स के थ्रू हम कर सकते हैं डबल क्लिकिंग मींस डबल क्लिक से क्या होगा क्विकली यू कैन डू योर वर्क हेयर चेक योर प्रोग्रेस क्वेश्चन आर गिवन हेयर यू कैन डू दिस यू हैव टू सॉल्व दिस और नेक्स्ट सेशन इज परफॉर्मिंग बेसिक फाइल ऑपरेशन बेसिक फाइल ऑपरेशन क्या होते हैं इन एनी स्कूल ईच टीचर हैज़ अ सेपरेट कैबिनेट एन एंड फिगर फाइल कैबिनेट दिया गया है यहाँ पे सबके जो अलग अलग टीचर्स हैं सबके दिए होते हैं अपने अपने जो अलग अलग डाटा है जो आपका सेव रखते हैं अलग अलग टीचर्स फाइल्स एंड फोल्डर्स आर गिवन है ऑल इंफॉर्मेश्स टू ऑर्ड इन अ कंप्यूटर इन कैप्ट इन फाइल्स सारी जो डॉट इंफॉर्मेशन हमारे कहाँ से करते हैं हम फाइल्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन ईच फाइल इज गिवन हैव अ फाइल नेम फाइल का हर फाइल का एक फाइल नेम होता है हर फाइल का एक फाइल नेम एक्सटेंशन होता है जिसके थ्रू जो फाइल की टाइप है वो आइडेंटिफाई होती है द फाइल नेम एंड द फाइल नेम एक्सटेंशन आर सेपरेटेड बाय अ पीरियड और डॉट फॉर एग्जाम्पल अ डॉक्यूमेंट क्रिएटेड यूजिंग नोट पैड नोट पैड का जो हमारा जो डॉक्यूमेंट होगा उसका जो एक्सटेंशन होता है क्या होता है डॉट टी एक्स टी देयर आर अदर टाइप्स लाइक डॉक एक्सएलएस एटसेट्रा एंड इमेज फाइल यूजली हैज एन एक्सटेंशन ऑफ डॉट जे पी जी क्रिएटिंग अ फायल आप कैसे क्रिएट कर सकते हो फाइल्स को टू ओपन एंड टेक्स एडिटर टाइप एडिटर इन द सर्च डायलॉग बॉक्स सर्च डायलॉग बॉक्स से आप सर्च कर सकते हो देन डबल क्लिक द टैक्सट एडिटर ऑप्शन देन आपका जो टैक्स एडिटर है ओपन हो जाएगा दिस विल ओपन ए ब्लैंक डॉक्यूमेंट इन विंडोज यू कैन ओपन नोट पैड एंड टाइप इन द टैक्सट आप नोट पैड में भी कर सकते हो हेर यू कैन एड टैक्स्ट सच एज नेहा तिवारी शक्ति नगर न्यू डेली हर फोन नंबर एंड टू सेव द फाइल क्लिक सेव दैन य सेव डायलॉग बॉक्स अपीयर्स देन यू कैन सेव विद योर नेम एंड एनी नेम विच यू वॉन्ट्स टू सेव थ्री पिक्चर्स आर गिवेन है ओपनिंग टेक्सट एडिटर टेक्सट एडिटर एंड सेविंग अ फाइल कैसे सेव होगी फाइल क्रिएटिंग अ फोल्डर हम फोल्डर को क्रिएट कैसे कर सकते हैं फोल्डर इज अ लोकेशन वेअर अ ग्रुप ऑफ़ फाइल्स कैन बी स्टोर्ड फोल्डर क्या है लोकेशन है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं बहुत सी फाइल्स जो है सेव कर सकते हैं स्टोर कर सकते हैं टू अपन फाइल एक्सप्लोर इन ओवन टू क्लिक फाइल्स ऑप्शन ऑन द लेफ्ट लेफ्ट साइड में जो ऑप्शन है दे रखा होता है हमारा जो फाइल एक्सप्लोर का फ़ाइल एक्सप्लोरर ओपन हैजन इन फिगर फाइल एक्सप्लोरर आप देख रहे हैं ऐसे ओपन हो जाएगा टू क्रिएट अ फोल्डर चूज़ अ लोकेशन वेयर द फोल्डर हैज़ टू बी क्रिएटेड फॉर एग्जाम्पल डेस्क टॉप अगर जहाँ आपने आपने पहले लोकेशन सेट करेंगे कि आपको कहाँ चाहिए आपका फोल्डर देन राइट क्लिक एंड देन चूज द न्यू फोल्डर टाइप द नेम ऑफ द फोल्डर एज डेमो सबसे पहले चूज द फाइल ऑप्शन देन फाइल एक्सप्लोरर देन राइट क्लिक ऑन द डेस्क टॉप एंड क्लिक न्यू फोल्डर एंड देन टाइप डेमो एज द नेम ऑफ द न्यू फोल्डर आपका जो न्यू फोल्डर है आप वो जो आप नाम रखना चाहते हो आप वो रख सकते हो ठीक है हेयर आर प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज आर गिवन हेयर एक्टिविटी वन एंड एक्टिविटीज सम शॉर्टकट कीज आर गिवन हेयर नेक्स्ट इज चेक चेक योर प्रोग्रेस क्वेश्चन इज ऑल्सो गिवन हेयर यू हैव टू ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चन एंड थर्ड सेशन इज कंप्यूटर केयर एंड मेंटेनेंस पहले आपको जब आप कंप्यूटर खरीदते हो कंप्यूटर क्या सोच कर खरीदते हो क्या आपको केयर जब तक आप किसी भी मशीन की या फिर कोई भी जो आपके पास आपके पास थिंग्स हैं आप जब तक उसकी केयर नहीं करोगे तब तक आपका वो जो जैसे फॉर एग्जांपल बुक्स क्लोथ फर्नीचर और गैजेट्स इज इम्पोर्टेंट केयर रखनी चाहिए उनकी अब जब तक आप उनकी केयर नहीं रखोगे तब तक आपका जो डिवाइस है सेव नहीं रहेगा जैसे आप न्यू लाए थे वैसा काम नहीं करेगा टेकिंग केयर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज़ कंप्यूटर एंड मोबाइल हेल्प दैम टू वर्क प्रॉपरली वर्क अच्छे से करें इस वजह से हम क्या कर सकते हैं करते हैं हम उनकी केयर करते हैं जस्ट एज वी टेक केयर ऑफ अवर बॉडी बाय टेकिंग बाथ ब्रशिंग और टीथ एंड ई फूड एवरी कंप्यूटर्स एंड मोबाइल्स आर वेरी एक्सपेंसिव वेन वी टेक Here are some basic tips for taking care of devices simple ways that you can follow to take care of your computer keeping a device clean first is keyboard first we, uh, we should not in anything over a keyboard crumbs can damage the internal parts of computer, keyboard screen you can wipe the screen with a soft cloth to remove any finger marks आप किसी भी फिंगर मार्क्स को रिमूव करने के लिए सॉफ्ट क्लॉथ का यूज़ कर सकते हैं बी केयरफुल विद फूड एंड ड्रिंक्स जो भी आपके पास जो अवॉइड कीजिए जो भी आपके डिवाइसिस के पास खाने की कोई भी सामान है या फिर ड्रिंक्स जो हैं बिल्कुल भी मतलब जिसकी उससे क्या हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस स्पॉयल हो सकती है, है। हैंडल डिवाइसिस केयरफुली कीप द कंप्यूटर कूल हमेशा उसको ठंडा रखें क्योंकि अगर ज़्यादा गर्म ओवर हीटेड हो जाता है तो आपका जो कंप्यूटर के जो इनर इंटरनल पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं डैमेज हो जाते हैं डू नॉट ओवर चार्ज योर बैटरी ओवर चार्ज मत करें ऑलवेज प्लग इन डिवाइस केयरफुली डो नॉट रन टू मैनी प्रोग्राम्स एट अ टाइम बहुत से प्रोग्राम्स जो हैं एक साथ मत चलाए जाए प्रिपेयर मेंटेनेंस शेड्यूल सबसे पहले आपको क्या करना है वी नीड टू प्रिपेयर अ प्लान और अ शेड्यूल फॉर मेंटेनेंस टू कीप द कंप्यूटर रनिंग इन परफेक्ट कंडीशन फॉर अ लॉन्ग टाइम बहुत लंबे टाइम के लिए हमें क्या करना चाहिए मेंटेनेंस रखना मेंटेन करके रखना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए डेली मेंटेनेंस में वीकली मंथली ईयरली आप क्या कर सकते हैं आपके चेंज कर सकते हो सेव कर सकते हो बैकिंग अप डाटा ऑन सी डी और डी वी डी बैकिंग योर डाटा मीन्स टू सेव द इंफॉर्मेशन पी सेट ऑन यूर कम्प्यूटर और अन अदर डिवाइस आपका जो डाटा है सेव रखना सच एज सी डी डी वी डी ड्राइव्स आई इन फिगर स्कैनिंग एंड क्लीनिंग वायरसेज स्कैन करके रखना कंप्यूटर को वायरस फ्री रखना एंटी वायरस रखना अटैक्स से सेव रखना दिस विल प्रिवेंट एनी वायरस फ्राम एंटरिंग एंड विल ऑल्सो क्लीन एनी वायरस दैट मे एंटर आवर सिस्टम बिफोर दे अफेक्ट द डाटा इंक्रीज कंप्यूटर परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करता है कंप्यूटर की परफॉर्मेंस का रिमूविंग स्पैम फ्रॉम योर कम्प्यूटर स्पैम जो हैं रिमूव करो आपकी जो कंप्यूटर से हु आर एडवर्टाइजिंग अ प्रोडक्ट और ड्राइंग टू अट्रैक्ट योर देन दीज आर प्रैक्टिकल एक्सरसाइज एंड चेक योर प्रोग्रेस क्वेश्चन आर गिवन हि यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चन And in the next lecture, we have to do our next session. Thank you.